रचकोंडा पुलिस कमिश्नर ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की। एसओटी रचकोंडा ने फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया और 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सरकार में आउटसोर्सिंग अनुबंध नौकरियां प्रदान करने की आड़ में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत युवाओं को धोखा दिया। फर्जी और जाली नियुक्ति आदेश देकर सेक्टरों और लाखों में भारी रकम जमा की। अपराधियों के पास से 5,70,000 रुपए की नकदी, एचपी प्रिंटर और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर रचकोंडा कमिश्नर के एसओटी एलबी नगर जोन के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया। नव भारत समाचार से संवाददाता अहमद। रचकोंडा एसओटी और एलबी नगर जोन पुलिस ने एक फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो एक गैंग का जो लीडर है उसका नाम है मद्देला मड़गू वर कुमार, जो नलगोंडा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में करमन घाट एरिया में यहाँ पे आजकल है। 2016 में भी चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के सिमिलर केस थी फर्जी सर्टिफिकेट की, उसमें उसे अरेस्ट किया था। उसके साथ यतकुला प्रमोद कुमार, वेन्नू दिनकर रेड्डी और विपर्ति प्रकाश, ये 4 लोगों को अरेस्ट करते हुए उनके पास से 5,70,000 कैश, 24 फेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 53 फेक रबर स्टैम्प्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। ये जो गैंग है खासकर आउटसोर्सिंग के जॉब यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का और जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जिसमें अटेंडर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब के लिए हम आपको एम्प्लॉय करेंगे और आपको फिर तनख्वाह मिलेगा, ये प्रॉमिस देके कम से कम 1,10,000 से इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। 24 लोगों से इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है 22-23 लाख रुपए तक और उनको फंसाया है। ये जो गैंग है पूरा, ये 2016 में भी इसमें 2 लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिसमें चैतन्यपुरी पीएस में वर कुमार एक्यूज नंबर 1 और सरू नगर पीएस में वेन्नू दिनकर रेड्डी एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 3 जो वेन्नू दिनकर रेड्डी है, इसने दिल्ली से एमसीए किया है, बाद में यूके में एमएस के लिए गया था, वहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया और 2016 में यहाँ सरू नगर में इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट में उसको हमने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर, जेल में उसकी वर्कुमार के साथ मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये आउटसोर्सिंग जॉब का नया प्लान उन्होंने बना के तकरीबन अभी हमारे पास में 19 सर्टिफिकेट जो मिले इनके आउटसोर्सिंग जॉब के, वो पंचायत राज डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और 5 सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट के, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जूनियर असिस्टेंट और 1 अटेंडर के पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपॉइंटमेंट फेक। 2016 में भी इसमें 2 लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिसमें चैतन्यपुरी पीएस में वर कुमार एक्यूज नंबर 1 और सरू नगर पीएस में वेन्नू दिनकर रेड्डी एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 3 जो वेन्नू दिनकर रेड्डी है, इसने दिल्ली से एमसीए किया है, बाद में यूके में एमएस के लिए गया था, वहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया और 2016 में यहाँ सरू नगर में इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट में उसको हमने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर, जेल में उसकी वर्कुमार के साथ मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये आउटसोर्सिंग जॉब का नया प्लान उन्होंने बना के तकरीबन अभी हमारे पास में 19 सर्टिफिकेट जो मिले इनके आउटसोर्सिंग जॉब के, वो पंचायत राज डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और 5 सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट के, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जूनियर असिस्टेंट और 1 अटेंडर के पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपॉइंटमेंट फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर बनाए हुए। ये गैंग से और भी कोई अगर विक्टिम्स है तो उनको हमारा निवेदन है कि आप हमारे यहाँ पे, अभी हमने हयात नगर वनस्थलीपुरम मीरपेट पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, आप यहाँ पे अप्रोच हो सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर है 9490617111, इसके ऊपर आप समाचार दे सकते हो। ये
गैंग को पकड़ के अच्छा काम करने वाले हमारे एसओटी और एलबी नगर जोन के जो पुलिस कर्मी हैं, उन लोगों को मैं इस बाद में सेपरेट रिवार्ड दे रहा हूँ। थैंक यू। स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा, मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड।